प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से सभी जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। देहरादून में आयोजित आशा सम्मेलन का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आशा सम्मेलन कराने का मकसद अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर एक डिजिट पर लाना है और एक टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और यहां पर आशा कार्यकर्ताएं भी मौजूद रही। आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के लिए आशा कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा है, जिससे अब प्रदेश को भी अच्छी गति मिलेगी। देश में हर जिलों में एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो वन डिजिट पे लाना चाहते हैं, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं, संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं। ये तीन टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक जो तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा करें।